द पब्लिक मंच के प्यारे श्रोता बंधु, आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है। आज की हम खबर में आपको बताएंगे कि सीएम योगी के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर मायावती ने वो कौन सी प्रक्रिया दिया है और कौन सा वो बड़ा दावा किया है जिसकी वजह से विपक्ष खेमे में खलबली मची हुई है। तो चलिए खबर की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर खबरों में आगे बढ़िएगा। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है कि निकाय चुनाव से पहले हिंदू राष्ट्र होने की बयानबाजी कर गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई पर लोगों का ध्यान बांटने की कोशिश हो रही है। बसपा प्रमुख मायावती ने शुक्रवार को जारी बयान में कहा है कि देश के अति मानवतावादी संविधान पर गर्व और उस पर निष्ठापूर्वक अमल कर जन कल्याण करने के बजाय बीजेपी द्वारा यूपी निकाय चुनाव से पूर्व इसके हिंदू राष्ट्र होने संबंधी बयान प्रति गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई आदि की भीषण समस्या व सरकारी विफलताओं से लोगों का ध्यान बांटने का छलावा कर रही है। मायावती ने आगे कहा कि संविधान की शपथ लेकर उच्च संवैधानिक पद पर बैठने वाले लोगों को ऐसी घोर स्वार्थ की राजनीति शोभा नहीं देती जो सरकार संविधान की मान मर्यादा की परवाह न कर अपने शपथ का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन करे। उस राज्य में जनहित व जनसंतोष कैसे संभव? चुनाव स्वार्थ की अति राजनीतिक घातक, इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। मायावती ने कहा कि यूपी में बीएसपी को हर स्तर पर मजबूत करने और पार्टी के जनाधार को शहर शहर व गांव गांव में बढ़ाने के साथ ही यथास्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी आदि के संबंध में पिछले कई दिनों से हो रहे कुछ मंडलों की समीक्षा बैठकों में कमियों को दूर करने हेतु जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि देश की सियासत में इन दिनों हिंदू राष्ट्र का मुद्दा छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। सीएम योगी ने कहा कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, था और रहेगा। योगी ने कहा कि भारत में रहने वाला हर नागरिक हिंदू है, इसे धर्म, जाति और मजहब के हिसाब से नहीं देखना चाहिए।